तो दोस्तों लूसीफर पार्ट टू आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सीजन फाइव का पार्ट टू कल रिलीज हुआ है। तो दोस्तों सीजन फाइव का पार्ट टू कैसा है, क्या कुछ खास है इस पार्ट टू में, और आपको ये वेब सीरीज के सीजन फाइव का पार्ट टू देखना चाहिए या नहीं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो दोस्तों स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी, यानी कि लूसीफर के डेड यानी गॉड की एंट्री हो जाती है। और इस बार गॉड और लूसीफर की जंप आती है या नहीं, ये तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि नेटफ्लिक्स पर अब अवेलेबल है। तो दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों सभी ने अपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, कहीं भी मुझे किसी की कमी नहीं लगी है। हालांकि दोस्तों बात करें वेब सीरीज की, तो दोस्तों ये वेब सीरीज यानी कि इसका पार्ट टू ठीक ठाक रहा है, यानी कि मैं इसे एक डिसेंट पार्ट कह सकता हूँ। हर सीजन की तरह इसमें भी इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आप हर कैरेक्टर को फील करने लगते हैं या उनकी इमोशंस से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लूसीफर के कैरेक्टर से भी प्यार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इसे टोटल 8 एपिसोड में रिलीज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जिन लोकेशंस का इस्तेमाल किया है वो बहुत बढ़िया है। वही दोस्तों बात करें क्लाइमेक्स की, तो दोस्तों क्लाइमेक्स मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब मैं जैसा प्रेडिक्ट कर रहा था लगभग वैसा ही इसका क्लाइमेक्स रहा है। एडिटिंग की बात करें तो दोस्तों मुझे इसकी एडिटिंग डिसेंट लगी है, बहुत कम समय लेते हुए वेब सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज के ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों मुझे वेब सीरीज की पेस से थोड़ी दिक्कत है, यानी कि वेब सीरीज को जिस तरीके से नरेट किया जाता है वो दोस्तों काफी स्लो है, और हर चीज के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखकर ऐसा लगेगा कि ये वेब सीरीज हमें बोर कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये पिछले सीजनों की तरह ही इस सीजन को भी बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पेरेंटल गाइडेंस की, तो दोस्तों इसमें कई सारे एडल्ट सीन आते हैं, तो दोस्तों आप इसे पर्सनली ही देखिएगा, परिवार के साथ देखने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना है। वही दोस्तों बात करें रेटिंग की, तो दोस्तों मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा, और अगर आप लूसीफर सीरीज के डाई हार्ड फैन हैं तो ही आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वेब सीरीज उन लोगों के लिए कमाल की वेब सीरीज है। हालांकि जो लोग नए हैं उन्हें ये वेब सीरीज थोड़ी बोरिंग लग सकती है। तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।